नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं ना, उनका तो बहुत बहुत अभिनंदन भी है, बहुत बहुत स्वागत है भैया। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पहले मैं ये बात बता दूं, क्लियर कर दूं, आप सबको पता है गणेश जी का दिन है। गणेश जी जगह जगह पर पधार रहे हैं भैया, हमारे घर के तो बगल में ही गणेश जी पधार गए भैया। बहुत हम पूजा करते हैं गणेश जी की, बट एक बात ध्यान से समझना, जितने भी साथी भैया गणेश की साउंड बजा करके पूजा करते हैं ना, उन सबसे यदि कसम से पूछा जाए, उन्होंने कभी भी अपने माताजी के पिताजी के पैर नहीं छुए। ये सत्य है, बट कट सत्य है भैया। बट गणेश जी के पैर छूने जा रहे हैं, इनको अभी ये नहीं पता है कि गणेश जी महान किस वजह से हुए थे। गणेश जी भी तो महान अपने माता पिताजी की सेवा करने से हुए थे भैया। माता पिताजी की सेवा कर लो, डीजे बजाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 2-3 बार मैंने भैया बिल्कुल इस सेशन को रिकॉर्ड किया है। 5-5 मिनट के सेशन रहने के बाद उन्होंने साउंड बजा बजा करके पूरा खराब करवा दिया। और आपको पता है सर, एक बार की ऊर्जा कितनी होती है, दूसरे बार की कितनी होती है। बहुत भैया ताकत लगानी पड़ती है, बहुत जोश का काम करना पड़ता है इस सेशन में। आप सब तो डबकी लगा करके आराम से भैया बिल्कुल सुनते हैं ना, और जिस जो बोलता है उसको बहुत मेहनत पड़ती है। 2 बार करने पर बताइए 5 मिनट पर, सर गणेश की पूजा कर रहे हैं, हम भी तो पूजा करते हैं गणेश जी की। ऐसा नहीं, हमारा पूरा परिवार समृद्ध है, गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं हम किसी का काम खराब करें जिस गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। बताइए, आप माता जी के तो पैर छूते नहीं हैं मेरे प्यारे मित्रों। एनीवे सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भैया कर लेंगे जैसे भी मेंटेन है बिल्कुल। आप हमें गणेश जी की शुभकामनाएं, इस सेशन की शुभकामनाएं कोई भी भेजना चाहते हैं भैया, हमारे लिए सबसे अच्छा तोहफा तो आपको पता ही है, इस सेशन को जन जन तक शेयर कर देना सबसे अच्छा तोहफा है। मुझे ऐसी आशा है कि आप इसको काम को करेंगे। जरूरी सूचना में हम बता देते हैं, 1 सितंबर 2020 से धमाकेदार तरीके से बायोलॉजी शुरू होने जा रही है भैया। शाम को 8 बजे लाइव की तरीका से पढ़ेंगे, और हो सका 1 तारीख तक तो हम लाइव भी पढ़ेंगे भैया। मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं, क्योंकि साउंड की भैया दिक्कत हो सकती है, तो हम पहले से ही शुरू कर देते हैं। सिंधु नदी तंत्र क्या है सर, आइए चर्चा कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पहले से ही जानते हैं, 3 देशों से बहती है हमने की। अच्छा, चेमा यंगडंग ग्लेशियर से निकलती है भैया सिंधु नदी, भारत होते हुए पूरा लद्दाख क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अरे सर पता है पहले से ही, हमने कहा तो ये भी आपको पता होगा कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। झेलम है सर, बिल्कुल चेनाब है, ये तीनों नदियां पाकिस्तान के हिस्से में हैं। जब हमने सिंधु जल समझौता 1960 में पढ़ा था ना, वर्ल्ड बैंक ने आकर के हमारी मध्यस्थता की थी ना, कि आप आराम से समझौता कर लो, ये पश्चिमी 3 नदियां है ना, ये बच्चे को दे दो अपने को, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है। हमने की ठीक है दे देंगे, बच्चा उदम ना करे ना, फिर हमें भैया कभी दिन आ गई तो हम आराम से बच्चे को फिर भड़का देंगे। और भैया ये 3 नदियां जो पूर्वी है ना, वो हमारे पास हैं। कौन सी हैं? रावी है, सतलज है, ब्यास है। ध्यान से समझना मित्रों, सतलज नदी का उद्गम भारत के उस पार से होता है, मानसरोवर झील से होता है। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, भारत के उस पार से सवाल, मानसरोवर झील से, राकस ताल से होता है। गजब की बात तो है कि जिस जगह पर ब्यास नदी सतलज में मिलती है, उस जगह से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है। ये 5 नदियां जैसे आप देख रहे हैं ना, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, पंजाब से होकर के जाती हैं, इसी वजह से इसे पंच नद भी कहते हैं। दोबारा सुने एक बात को, पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, जिन्हें हम पश्चिमी नदियां कहते हैं। और इंडिया के हिस्सा में कौन सी नदियां हैं मित्रों? रावी है, ब्यास है, सतलज है। बड़े सर आगे, बिल्कुल आइए सर गंगा नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। हमारे मित्रों ने तो गंगा, अरे सर गजब बात कर दी, गंगा हम पहले से जानते हैं, बद्रीनाथ से निकलती है भैया। सबसे बड़ी नदी अलकनंदा, अलकनंदा की एक बहन है जिसे हम धौली बहन कहते हैं। धौली ने कहा, बहन अलकनंदा हम भी आपके साथ चलेंगे, आइए ना बहन हम ले चलते हैं आपको। भैया जिस जगह पर धौली नदी अलकनंदा में मिलती है, उसे हम जोशीमठ या विष्णु प्रयाग कहते हैं।
अलकनंदा आगे बढ़ी, जिस जगह पर पिंडार मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा पिंडार को लेकर के आगे बढ़ी, जिस जगह पर केदारनाथ से निकली उधर से मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी आकर के अलकनंदा में मिलती है ना मित्रों, उस जगह हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी, भागीरथी भैया आगे बढ़ी और इधर से आ रही थी भीलन गंगा। भैया सुन लो, भीलन गंगा जिस जगह भागीरथी में मिलती है वहां भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बनता है। भागीरथी आकर के देव प्रयाग में मिलती है, कहां पर? अलकनंदा में। जिस जगह पर भागीरथी मिलती है ना मित्रों, उसे हम देव प्रयाग कहते हैं। देव प्रयाग के बाद इसकी पूरी की पूरी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। आइए सर, गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गंगोत्री से निकली गंगा आराम से उत्तर प्रदेश होते हुए, और ये गर्व से कहते हैं ना, हम यूके से बिलोंग करते हैं। जब इनसे पूछा जाता है भैया थोड़ा बताना कौन सा यूके है, कह देते हैं यार गजब बात कर दी, अपना उत्तर प्रदेश के बड़ों से अलग हुआ ना, वही यूके है जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं। आराम से बिहार से होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए भैया बांग्लादेश में गिर जाती है। मित्रों ध्यान रखना चाहिए, गंगा का समझौता हमने बांग्लादेश के साथ किया था। पूछा जा सकता है गंगा नदी का समझौता किन दो देशों के साथ हुआ, तो बांग्लादेश और इंडिया का। कॉमन सेंस लगाना, जब नदी जा रही है तो भैया वहाँ पानी का समझौता करेंगे ना हम। गंगा की सहायक नदी जिसे हम जानते हैं यमुना है, यमुना की सहायक चंबल है, चंबल की कौन कौन सी है, काली सिंध है, बनास है, पार्वती है। पार्वती वही महादेव वाली पार्वती भैया। चंबल नदी मेरे प्यारे मित्रों निकलती कहाँ से, ये पूछा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के जनाव पनाव की पहाड़ी से निकलती है। द्वारा सुने, मध्य प्रदेश की ये जनाव पनाव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल। यमुना की चंबल हो गई सहायक, सिंध नदी हो गई, और ये भैया बेतवा, केन नदी भी। चार नदियां यमुना की वेरी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, मैंने कितने सटीक से भर के दिखाया है भैया आपको। गूगल पर सर्च करना, इंटरनेट पर भैया मिलेगा नहीं इतनी अच्छे तरीके से भरा हुआ। मेरे प्यारे मित्रों मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है ना, और पीडीएफ भी मिल रही है। गजब की बात तो ये है कि पीडीएफ भी मिल रही है आपको, भैया ले लो ज्ञान बट रहा है। मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं हम आगे, इधर से आ रही थी टॉन्स नदी, और भैया मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है ना सोन नदी। अरे सर अमरकंटक तो हमने सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। अमरकंटक का पठार भैया हम बना ही देते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ये है सर अमरकंटक का पठार, लो बना दिया हमने। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, इधर वेस्ट वाले हिस्से से नर्मदा नदी निकलते हुए पूरा का पूरा भैया गुजरात से आते हुए यहाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ से ही अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन नदी, आराम से गंगा में मिल जाती है। सवाल कैसे बनता है मेरे प्यारे मित्रों? सवाल पूछा जाता है वो दो कौन सी नदियां हैं जो अमरकंटक के पठार से तो निकलती हैं लेकिन भैया विपरीत दिशाओं में बहती हैं। हमारे मित्र आराम से लगा देंगे सर, नर्मदा नदी है और सोन नदी है। हमने कि अच्छा सोन गंगा में कहाँ मिलती है, ये भी सवाल बनाए। सर गंगा में जाकर के बिहार में मिलती है, ना कि यूपी में मिलती है। चलिए सर ऊपर की बात करें हम, बाएं तरफ से गंगा की सहायक गोमती नदी, जानते हैं मित्र गोमती नदी, वही तो गोमती है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। फुल्लर झील बरेली से निकलती है, दो बहने और पढ़ाए हमने, घाघरी और राप्ती नदी। घाघरा और राप्ती का मिलन भैया आराम से यूपी में होता है, इनकी संयुक्त धारा गंगा में जाकर के बिहार में मिलती है। द्वारा सुने सर, घाघरा राप्ती का मिलन मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको दिखाया है। दोनों का मिलन तो मेरे प्यारे मित्रों यूपी में होता है, बट इनकी संयुक्त धारा जाकर के गंगा में बिहार में मिलती है। ऊपर से गोसाई धाम से आ रही थी कौन सी नदियां? गंडक नदी धौलागिरी से। गंडक मेरे प्यारे मित्रों कहाँ मिली? बिहार में, गंगा में।
कोसी नदी तो मित्र पहले से ही जानते हैं। अरे सर गजब बात कर दी, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है। यहाँ इसे बिहार का शोक इस वजह से कहते हैं ना, मार्ग बदलती रहती है, बाढ़ आती रहती है, गोसाई धाम से निकलती है। हमने कहा यदि ये पूछ लिया जाए कि नेपाल और भारत के साथ कौन सी नदी के साथ समझौता हुआ, अरे सर गजब बात कर दी, कोसी नदी के साथ हुआ। हमने की हाँ भैया, गंगा की भितरिका भी हुगली है, अभी तो गंगा में मिल रही थी ना सब, ये गंगा से निकलती है, इस वजह से भितरिका कहते हैं। हुगली नदी है, सबसे बड़ी है, और हुगली की सहायक दामोदर नदी है। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ब्रह्मपुत्र को तो हमारे मित्र ऐसे जानते हैं सर, बिल्कुल ये बगल का ही कोई नाला है ना। हमने कहा अच्छा, कैलाश मानसरोवर से निकलती है। भैया सांगपो यारालोंग जांगपो चाइना के नाम तो आप पहले से ही जानते हैं, कितने चटपटे नाम होते हैं सर। नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्र आती है इंडिया में, असम के लोग इसे प्यार में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसी ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। हमने कहा अच्छा, और गजब की बात बताए ना सर, ये तीस्ता नदी है ना। हमने हाँ, इस तीस्ता नदी से इंटरफेयर कर रहा है चाइना, पता है आपको, नेपाल को कर ही लिया है उसने कब्जे में, पाकिस्तान बच्चा को तो सीपैक बना ही दिया है। हमने की हाँ, और इधर सर वो आपने पूरी माला पढ़ाई ना। हमने की हाँ, और लंका में तो हम्बन टोटा खरीद ही लिया है, लंका घूमने जाओ, लंका के लोग इतने बिल्कुल भैया बैठे हुए हैं, कब चाइना वाले आए हम गुस्सा फोड़े। मेरे प्यारे मित्रों, बांग्लादेश बचा हुआ था, बांग्लादेश में तीस्ता नदी को बहुत सारा पैसा दे दिया है, अभी आपको हमने करंट में पढ़ाया था। बांग्लादेश में लोग ब्रह्मपुत्र को भैया जमुना कहते हैं, इधर से गंगा बहन आई रही थी भैया, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हमने लिख ही दी हैं आपके लिए, सुबनसिरी है, मानस है, संकोस है, इधर से रेहांग देहांग लोहित है, इधर से गंगा आ रही थी जिसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश की लोग पद्मा और जमुना दोनों बहनें जब मिल जाती हैं तो एक नाम दिया जाता है जिसे हम मेघना के नाम से, आराम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये कहानी थी सर, धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और बताना कितने सही हुए आपके क्वेश्चन, आपकी जानकारी कितनी है। चलिए सर शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाँ भैया बताओ, बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है, गंडक है, यमुना है, कोसी है, गंगा है। आपको हम टाइम भी दे देते हैं मित्रों, कोसी नदी है, सी ऑप्शन सही है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, गजब बात कर दी सर, वही तो चंबल है जो मध्य प्रदेश की जनाव पनाव की पहाड़ी से निकलती है। हमने कही हाँ यार वही नदी है। अच्छा ये तो यमुना की सहायक है, हमने कहा चंबल की कौन कौन सी है, सर काली सिंध है, बनास है, पार्वती है। हमने कही अच्छा ये बात है ना, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, पाकिस्तान के मध्य हुई थी, ए ऑप्शन सही है। सही भैया सुमेलित नहीं है, सिंधु का समझौता पाकिस्तान के साथ किया था। हमने की बिल्कुल बात सही है। गंगा का नदी का बिल्कुल समझौता बांग्लादेश के साथ किया, हमने बिल्कुल बात सही है। कोसी नदी का समझौता नेपाल के साथ किया, हमने बिल्कुल बात सही है। चंबल नदी तो भैया अपने ही देश से निकलती है, तो हम समझौता किससे करेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल इस आंसर क्वेश्चन का आंसर सी है। चंबल पाकिस्तान के समझौता नहीं किया है, चंबल तो हमारे मध्य में स्थित एक प्रदेश है जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, वहां से निकलती है। बड़े पित्रों आगे बिल्कुल लगाना सवाल भैया, सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, अरे गजब बात कर दी सर, पहले से ही पता है पाकिस्तान को तो तीन नदियां दे दी हैं हमने, बस तीन नदियां नहीं होंगी, वो आंसर सही होगा। हमने कौन कौन सी दे दी है, चेनाब झेलम सिंधु, ये तीनों नदियां पाकिस्तान को दे रखी है ना, इस पर अधिकार तो हमारा है रावी पर। हमने की ए ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र भैया की संयुक्त जल धारा को किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश के लोग पद्मा कहते हैं, और भैया ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। जब ये दोनों बहनें मिल जाती हैं तब इसे मेघना कहते हैं। तीस्ता नदी पड़ी है भैया आराम से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मित्रों आगे की कहानी क्या है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से तो निकलती हैं। हमने कही हाँ, परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। अरे गजब बात कर दी आपने, तो ऐसा गोला भी बनाया था,
हमने कहा एक तो हमने सोन निकाली थी, एक हमने पीछे नर्मदा नदी निकाली थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े सर आगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से कहां पर है? बताना मेरे प्यारे मित्रों, गंगा ब्रह्मपुत्र का क्रम से दोनों का बताना है, एक का नहीं बताना है। पहली बात तो सवाल को अच्छे से पढ़ा करें आप। उत्तराखंड यदि हम ऑप्शन लगाएंगे ना तो गंगा सही होगा, उत्तराखंड और तिब्बत में दोनों सही हो जाएंगे। गंगा का उत्तराखंड से है, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े सर आगे, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत, नौवां सवाल देखिए, भारत को रावी दी गई है, हमने कही हाँ, सतलज भी दी गई है, नहीं बिल्कुल दिया गया है भारत को, झेलम किसको दिया गया है? एवं ब्यास, भैया रावी सतलज ब्यास तो इंडिया को दी गई थी, जो समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक ने किया था, हमने कही अच्छा, किन किन के बीच हुआ था? जवाहरलाल नेहरू और भैया पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम तो पता होगा आपको, अयूब खान के मध्य हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने किया था। तब रावी और ये ब्यास सतलज इंडिया को दे दी गई थी, झेलम चिनाब सिंधु किसको दी गई थी? भैया पाकिस्तान को। आंसर कौन सा सही होगा? सी, भारत का अधिकार नहीं है झेलम पर, किसका अधिकार है? पाकिस्तान का। बड़े सर आगे, हिमालय पार की नदियां हैं, हमने बताया भी पार करके पूछा जाएगा, कौन कौन सी हिमालय के पार से निकलती है? क्या ब्रह्मपुत्र निकलती है? हाँ गुरुदेव निकलती है। हमने कहा सिंधु निकलती है? बिल्कुल निकलती है। सतलज निकलती है? सर गजब बात कर दी, निकलती है। नर्मदा ताप्ती है, कौन सी भी नहीं निकलती है, ए ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे, 33 सवाल लेकर के आए, पेशेंस रखना है आपको, ज्यादा लेकर के आए आपके लिए। इंदौर के समीप स्थित जनापनाव की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? अभी तो बताया था सर, चंबल नदी का होता है। कोसी नदी का कहां से होता है? सर गोसाई धाम से। गंगा का गंगोत्री से, यमुना का यमुनोत्री से। भारत के उत्तरी मैदान की तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु गंगा, पूरा का पूरा भारत का, अभी हम उत्तरी मैदान उत्तरी नदियों तो पढ़ा रहे हैं, उसमें कौन कौन से तीन नदी तंत्र पढ़ाए थे हमने? सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया, गंगा नदी तंत्र पढ़ाया, तीसरा तंत्र कौन सा पढ़ाया था? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े सर, सतलज घाघरा बेतवा तापी नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? बताइयो भैया इस सवाल को, उड़ा दो चुटकियों में। भारत से तो निकलती है, भारत से भैया कौन सी नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलते हो निकलकर होते हुए पाकिस्तान में जा रही है? क्या घाघरा जा रही है? अरे गजब बात कर दी, घाघरा राप्ती का तो मिलन होता है सर गंगा में आकर के। हमने की बेतवा, बेतवा सर यमुना की सहायक है। तापी नदी सर, अरे गजब बात कर दी, ये तो गुजरात इसी पर स्थित है। हमने की अच्छा सूरत, हाँ सतलज नदी पाकिस्तान में जाती है, सिंधु में मिलती है, ए ऑप्शन सही है। भैया बढ़े आगे, भारत की सबसे लंबी नदी तो हमारे मित्र जानते ही हैं, गंगा है। सबसे बड़ी तो सिंधु है, बट वो भारत की नहीं है, गंगा नदी है। मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे, कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? लगाना दिमाग भैया अपना अपना। मेरे प्यारे मित्रों, पंजाब से होकर नहीं गुजरती है, हमने तो पंचनद बताया था, याद होगा पंचनद तो आप कर देंगे। सतलज पंचनद में आती है, ब्यास पंचनद में आती है, रावी पंचनद में आती है, कौन सी नहीं आती? गंगा नहीं आती, बी ऑप्शन सही है। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में दोनों बहनें गले मिल जाती हैं मित्रों? हमने कहा भैया भागीरथी और अलकनंदा ये तो देवप्रयाग पर मिलती हैं, जरा बताएंगे आप सारे प्रयाग क्या हैं? अरे सर गजब बात कर दी, अलकनंदा बद्रीनाथ से चलती है, ऊपर से धौलीगिरा नदी मिलती है, तो उसे हम भैया सबसे बड़े भगवान हमने तो मान रखे है ना, विष्णु प्रयाग कहते हैं। और जब अलकनंदा में पिंडार मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं, अलकनंदा में जब भैया भागीरथी मिलती है तो उसे देवप्रयाग कहते हैं। सारे प्रयाग पढ़ा दिए, बढ़ते हैं आगे, दक्षिण गंगोत्री क्या है? बहुत बार सवाल आया है, एक सैटेलाइट स्थापित कर दिया है भैया गंगोत्री के सम्मान में, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। बिल्कुल, पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहरें हैं, इनमें जल कहां से आएगा भैया? बहुत सारी नहरें हैं,
हमने इंदिरा गांधी नहर निकाली, बहुत नहरें निकाली, कहां से आएगा पंजाब में पानी भैया नहरों में। गजब बात कर दी सर, सतलज नदी लेकर के आएगी ना, बी ऑप्शन सही है। हमने की लॉजिक लगाते चलो और आगे बढ़ते चलो। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है भैया बताओ? डेल्टा कौन सा नहीं बनाती है? एस्चुरी बनाती है, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे धमाकेदार तरीके से भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा डेल्टा बनाती है, हमें पता है ना, ये कल ही पढ़ा था, डेल्टा बेलसोन और बिसरपड़ ये मैदानी क्षेत्र में डेल्टा बनते हैं। ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, सारी की सारी पूर्वी घाट की जितनी भी नदियां हैं डेल्टा बनाती हैं सर। ताप्ती नदी तो एस्चुरी बनाती है सर। एस्चुरी क्या होता है, हमने कहा कल चर्चा कर लें, तो आज नहीं बताएंगे सर, कल ही बता देंगे जब एस्चुरी। वैसे तो आपको पता है डायरेक्ट यहाँ पानी गिरता है ना, बिल्कुल खड़ा सा एकदम, जैसे आपने कभी देखा हो, आप नहर से निकलते हैं ना, नहर के पानी ऊपर से बिल्कुल आपको गुब्बारे से बने हुए देखे देते हैं, एस्चुरी होता है सर। डेल्टा क्या होता है, आराम से स्लोली स्लोली पानी मैदान में चलता रहता है, डेल्टा बन जाता है सर, इतना तो सिंपल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। दो नदियों के मध्य आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप यमुना देखते होंगे ना, आप लखनऊ कानपुर घूमने जाते हैं ना, दो नदियों के बीच में जो जगह हो जाती है वो उपजाऊ, वहां पर बहुत सारे लोग खेती करने लगते हैं, उसे हम दो आब कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है मित्रों? भैया चाइना के लोग तो सांगपो यारालंग जांगपो किसको कहते हैं? गंगा को कहते हैं क्या? ये तो तिब्बत में बहती नहीं है, सिंध। ब्रह्मपुत्र सी ऑप्शन सही है। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत पर माला से होता है, सी ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से उस पार की नदी बतानी है भैया। सतलज है, यमुना, गंगा, रावी, कौन सी नदी हिमालय के उस पार से निकलती है? सतलज निकलती है सर, राकस ताल से निकलती है, सी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत प्रयास करते हैं तो आपको इतना तो बनता है ना, थम्सअप भी कर दिया करें भैया, कमेंट भी कर दिया करें, लाइक शेयर जो भी करना है कर दिया करो ना जनाब। बड़े सर आगे, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है? बताओ भैया, भारत के भूक्षेत्र से नहीं निकलती है, मतलब भारत से ना निकल करके उस पार से निकलती है। ये भी सवाल देखिए, ऊपर वाला सवाल इस वाले सवाल को कैसे घुमा करके एसएससी ने पूछा है, आपका परीक्षा कौन कंडक्ट करवा रहा है? एसएससी। और मैं आपको गजब बात बता दूं, आपके लिए तो दिल्ली पुलिस वाले युवाओं के लिए तो सुनहरा ऑफर है, फिर आपको सीईटी से गुजरना पड़ेगा भैया, ये भी बात ध्यान रख लेना आप, तो एक बार दम लगानी है बस। ब्रह्मपुत्र नहीं निकलती है, ए ऑप्शन सही है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहते हैं? यमुना को कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। मंदाकिनी और अलकनंदा किस मिलन स्थान को कहते हैं? भैया हमें पता है, अलकनंदा में जब धौली मिलती है तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदा में पिंडार मिलती है तो कर्णप्रयाग, अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग, अलकनंदा में भागीरथी मिलती है तो उसे देवप्रयाग कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मैं आपको बताऊं, तलछट को तो सिंधु भी करती है और ये ब्रह्मपुत्र भी करती है, सबसे ज्यादा कौन सी करती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? वो गंगा नदी करती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े सर आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? कोसी नदी है सर, ये तो पढ़ा है अभी हमने कि अच्छा। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बताया था अभी, अमरकंटक के पठार से एक सोन नदी निकलती है, दक्षिण से होते हुए आराम से भैया उत्तर में मिल जाती है, कौन सी नदी है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोन नदी। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? पता है ना, असम में, क्योंकि असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनता है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। कहां पर स्थित है? असम। इसी असम नदी के भैया पास में आपको घूमने जाना चाहिए, अंबुबाची का मेला लगता है। अंबुबाची में भैया कमाल की बात, आप देखिए रिसर्च करके, गूगल पर जाइए सर्च करिए,
और जाकर के आपको लगेगा जिस तरीका से हमारी माताएं महिलाएं बिल्कुल भैया जब उसमें होती हैं मासिक धर्म चक्र में, इसी तरीका से भैया बिल्कुल अंबुबाची में माताजी बिल्कुल इस उसमें आती हैं, मासिक धर्म चक्र में आती हैं, रजस्वला कहते हैं जैसे, ये बिल्कुल उस टाइम इस ब्रह्मपुत्र नदी का भैया कलर लाल हो जाता है। गजब की बात है, देखिए आप कितनी चीज है भैया, बहुत आप जाइए आपको बहुत अच्छा गूगल पर मिलेगा, आप सर्च करिए थोड़ा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, घूमने जाइए कभी, असम है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की सवाल है सर क्या ये पूरा के पूरा थ्योरी लिख के लाए हो, हमने कि भैया हम पूरा काम कर देते हैं आपके लिए, आप हमारे लिए काम नहीं करते हैं, ये बात तो पक्की है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, पता है ना इसमें क्या रॉकेट साइंस कर दी, जिसकी लंबाई 25-25 है, हमने की सवाल ये भी पूछा जाता है, सवाल देखिए जिसका उद्गम, ये कोई क्वेश्चन किताब में नहीं लिखा है, ये सवाल मैंने अलग से आपके लिए बनाया है, सब कुछ इसमें ही लिख दिया है भैया, जिसका उद्गम तो गंगोत्री हिमनद से है, हमने की हाँ गजब बात कर दी, दरअसल यहां से तो भागीरथी निकलती है, हमने की अच्छा वो भैया देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिल जाती है ना गुरुदेव, तो इसके बाद इसकी पूरी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं, असली नाम तो गंगा तब पड़ता है। इसकी बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा है, हमने की हाँ, गोमती जिसे फुल्लर झील से उद्गम होता है, घाघरा गंडक कोसी तथा दाएं किनारे से यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, सोन टॉन्स तथा इसकी प्रमुख वितरका क्या है, हुगली नदी है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े सर आगे, यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ पहाड़ी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है, हमें पता है ना, जिसकी सहायक नदी चंबल सिंध बेतवा केन है तथा हिमालयी प्रदेश टॉन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हमने की ये भी पता है टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी है, तथा यमुना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, खुला नाला, बी ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे, ये मिलान कर दो मेरे प्यारे मित्रों, चंबल कहाँ से निकलती है, सहायक नदी चंबल की कौन सी है, सहायक बतानी है, चंबल किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है, सोन नदी किसकी सहायक है मेरे प्यारे मित्रों, सोन नदी गंगा की सहायक है, ए का दूसरा सही है, बी का बिल्कुल, मानस नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की है, झेलम किसकी है, गंगा की है, वो सॉरी झेलम नदी बतानी है मेरे प्यारे मित्रों, झेलम तो गंगा की सहायक नदी है सर, झेलम बतानी है, झेलम चंबल नदी की है, सॉरी मेरा माइंड कहाँ चल रहा है पता है, डीजे आ रहा है सर बजकर, मेरा माइंड इस जगह चल रहा है कि डीजे की आवाज ना आपके लिए आ जाए, इस वजह से आप मिलान कर देंगे सर, झेलम किसकी नदी है बताना है मेरे प्यारे मित्रों, पार्वती किसकी नदी है, पार्वती, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए का दूसरा सही है, बी का पहला सही है, सी का भैया चौथा सही है, और डी का तीसरा सही है, झेलम तो सिंधु की है, सॉरी झेलम किसकी सहायक नदी है, सिंधु की, क्योंकि आपके लिए आवाज आ जाएगी पार्वती चंबल की सहायक नदी है भैया मेरे प्यारे मित्रों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े सर आगे, बिल्कुल ये सारा का सारा पूरा का पूरा भैया पीडीएफ में टेलीग्राम पर कहाँ मिलेगा, सुशील स्टडी पर मिलेगा। अब भैया 10 दिन हमारे लिए मुसीबत के खड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है ये भैया गणेश जो चतुर्थी आती है ना, अब डीजे बजेगा, हम कब आधी रात पर आपके लिए ये सेशन करेंगे, तो आपको तो टाइम पर मिलेगा, आपको नो टेंशन है सर, ये जिम्मेदारी मेरी है, हम कैसे करते हैं, आपको तो दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना है भैया, और मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, आना ना भूलें, बिल्कुल कुछ लेकर के आपके लिए तोहफा आएंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए बिंदास रहिए भैया, गणेश पूजा का आप भी मजा लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गणेश भगवान कब मान हुए थे अपने पिताजी के पैर छूने से, तो आप भी भैया माताजी के पिताजी के पैर छूएंगे तो गणेश की पूजा होगी। बहुत विद्वान लोग हैं गांव में, ऐसे डीजे बजाते उदते रहते हैं, वो अपने पिताजी के तो पैर नहीं छू रहे हैं, पर गणेश जी पर उदम बहुत मचा रहे हैं भैया, कभी सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है सर, बिल्कुल बाय बाय, टिल देन टेक केयर भैया, जय हिंद।